चुनाव पड़ा हुआ था ना, चुनाव चुनाव का एक ही टाइप किया था। और चुनाव में आज हम लोगों को दूसरा टाइप करना है, ठीक? शुरू किया जाए फिर। चलो देखो, तो चुनाव में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कुल मतों के लिए, ठीक है? तो आज हम लोगों पढ़ना है क्या, डाले गए मतों पे, ठीक? डाले गए मत और वैध मत और फिर इन दोनों को मिक्स वाला, यहाँ तक आप जब कोशिश करते हैं कर लेते हैं। चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, डाले गए मत। डाले गए मत पे क्वेश्चन जो आता है, जो कैसे आता है, किसी चुनाव में जैसे जितने भी मत होंगे काउंटिंग चाहे जितनी हो उनकी, लेकिन जब भी बात करेंगे उनकी किसमें परसेंटेज में बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा वो कितने मिलेंगे हमें, परसेंटेज हमेशा कितने मिलते हैं, 100% मिलते हैं, ठीक? बोला कि उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है? तो जब 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है तो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया होगा? 90% ऐसे होंगे जिन्होंने मतदान किया होगा, होगा कि नहीं होगा? 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मतदान किया होगा। अब हमसे क्या क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। डाले गए मतों का कितना मिला, 55% मत प्राप्त हुआ। और वह वोटों से जीत गया, और वह 720 वोटों से जीत गया। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने मतदाता हैं। हेलो, क्या नाम है? दीपक पाल। क्यों ना जुड़ा गया, हटा दिया गया क्या ग्रुप से? देखो जुड़ गए होंगे। तो यहाँ दिया गया 720 मतों से क्या हुआ, जीत गया। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कुल मत कितने हैं। एक बार और बोल दो, 50 बार बोल देंगे तो मैं और लेट आऊं। किसी चुनाव में जितने भी मतदाता होंगे कितने होंगे, 100% मतदाता होंगे, बोला उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, ठीक है? कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने, 10% ने मतदान नहीं किया। तो कितने लोगों ने मतदान किया है, 90% ने। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का, किसका डाले गए मतों का मिला है कितना, बोला डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो भाई मेरे 55% जिसको प्राप्त हो गया, तो इस वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन को कितना प्राप्त होगा, सेकंड पर्सन को कितना प्राप्त होगा कोई बताएगा हमें? 35% नहीं प्राप्त होगा, 45% प्राप्त होगा। जब हमने कल समझाया था तो हमने इसीलिए वो ग्राफ बनाया था, कल हमने एक ग्राफ बनाया था कि मतदाता सूची, उसके बाद में डाले गए मत, उसके बाद में अवैध मत, उसके बाद में वैध मत। तो हमने हर जगह 100-100% लिखा था। तो हमने ये बोला था कि वैसे ये चाहे जितने हो, लेकिन जब भी बात करेंगे इंडिविजुअल की बात करेंगे, इनकी स्वयं की बात करेंगे,
अपने आप में हमेशा और हमेशा ये 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% होते हैं, ये बात हमने बताई थी, ठीक है। तो ये अपने आप में होंगे कितने? 45% होंगे। तो जो हार जीत चल रही है वो कितने से चल रही है? 10% से हार जीत चल रही है। लेकिन वो 10% है किसका? वो 10% है किसका? 90 का। 90 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसका मतलब है कि जो 9 आ रहा है वो किसकी तुलना में आ रहा है? 100 की तुलना में, 100% की तुलना में, टोटल उसकी तुलना में कितना हो जाएगा? 9%। और यही 9 बराबर दिया गया है, तो 1 बराबर किसके? 80 के। 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 8000। इस टाइप से सॉल्व करना होता है। यशपाल जैसे लोगों ने आंसर गलत दे दिया इसका, ठीक है। वो भी बोल रहे थे 7200 आएगा। भाई 7200 कहाँ से आ जाएगा? उसने बोला तो था डाले गए मतों का टोटल वोट 8000 आएगा। समझ पाए? चलो एक और समझो। किसी चुनाव में जितने भी मतदाता होंगे 100% होंगे, बोला उसमें से 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ये जो 20% है इन लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया होगा? 80% वोट डाले गए, और जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने किसका? डाले गए मतों का कितना प्राप्त किया है? 60%। और वह 1440 मतों से जीत गया, 1440 मतों से जीता, ठीक। तो हमसे पूछ रहा कुल मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे कह रहा कुल मतदाताओं की संख्या। तो भाई मेरे देखो टोटल वोट कितने थे? 100%, उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए, ठीक है। 20% लोग वोट डालने नहीं गए, उसके बाद में तो कितने लोग वोट डालने गए होंगे? 80% वोट डालने गए होंगे, हैं। अब जो प्रत्याशी जीता है, जो प्रत्याशी जीता है उसको डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ। अगर क्वेश्चन हमसे ये बोल देता कि कुल मतों का, हमसे ये बोलता कुल मतों का, तो हम 100 में से 60 दे देते, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? डाले गए मतों का, तो डाले तो भाई मेरे यही वाले तो हुए ना 80%। तो इसका इसको 60 मिल गया, इसको 60 मिल गया, तो इस वाले कितना रह जाएगा बताओ भाई? 40 या 20? 40%, क्योंकि हर संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%, ठीक। अब देखो भाई हार जीत हो कितने से रही है? हार जीत कितने से हो रही है? 20%। लेकिन भाई वो 20% है किसका? 80 का। तो 80 का हम 20% निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 16%। जो ये 20 था वो इन दोनों पे था, जो ये 16 जो निकाल रहे हैं वो पता किसके कंपेयर निकाल रहे हैं? टोटल के कंपेयर निकाल रहे हैं, मतलब टोटल के कंपेयर कितना बनेगा? ये 16% बनेगा, और यही 16% बराबर दिया गया है। तो 1 बराबर 90 के 100 बराबर आ जाएगा 9000। इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। बताओ भाई अभी किसी को दिक्कत आ रही हो? कर पाएंगे? ठीक है, यहीं पे दूसरी बात पूछ ले। यहीं पे क्वेश्चन हमसे ये ना पूछे कि कुल मत बताओ, हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो भाई मेरे हमने ही निकाल लिया था, कितना निकाला था? 16%, यानी 16 बराबर दिया था 144
1440 तो एक बराबर इसके 90% एक परसेंट बराबर इसके आ जाएगा 90 के। और हमसे ये पूछा गया कि भाई जीतने वाले बताओ कितने आ रहे, तो जीतने वाले कितने मिले हैं 60, लेकिन वो 60 है किसका, 80 का। तो भाई 80 का अगर हम 60% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा होगा, 54% बोलो। तो एक बराबर हमें दिया गया था 90 के, तो 54 बराबर हम निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 90 × 54 जो सॉल्व कर दो मेरा आंसर आ गया। हमसे मान लीजिए पूछ ले कि हारने वाले बता दो, सॉरी 54 नहीं है 48 होगा, 54 नहीं भाई 48 आएगा भाई, 48 आएगा, 48 गलती पड़ गई, ठीक है भाई। अगर हमसे पूछ लिया जाए हारने वाले बताओ तो इसको कितना मिला है 40, कहाँ से 40 मिला 80 का, तो 80 का 40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो एक बराबर है पता चल गया 90 है, तो 32 बराबर निकालेंगे 90 × 32, बस ये हारने वाले का जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, बताओ भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नोट करो। किसी चुनाव में किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदान मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, 55% मत प्राप्त हुआ और वह और वह 5200 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो 5200 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 कुल मत, नंबर दो जीतने वाले को मिले मत, नंबर 3 हारने वाले प्रत्याशी को मिले मत कितने हैं। नंबर 1 कुल मत, नंबर 2 जीतने वाले, नंबर 3 हारने वाले को मिले मत कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी चुनाव में किसी चुनाव में मतदाताओं ने मतदान नहीं किया
चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 52% मत प्राप्त किया। डाले गए मतों का 52% मत प्राप्त किया और वह नब्बे मतों से जीत गया। तो नंबर एक, कुल मत कितने हैं? नंबर दो, जीतने वाले को कितने मत मिले? नंबर तीन, हारने वाले को कितने मत मिले? नंबर एक जीतने वाले को, नंबर एक कुल मत, नंबर दो जीतने वाले, नंबर तीन हारने वाले को कितने मत मिले? चलिए लगाइए, लगा पाओगे? आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जितने भी मत होंगे भाई, कितने होंगे मेरे? 100% मत है। जितने भी मत होंगे 100% मत होंगे, बोला उसमें से 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो भाई मेरे 20% ने नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 80% मतदाताओं ने मतदान किया होगा। 80 में से एक को 55 मिल गया, दूसरे को मिलेगा कितना? 45%। देखो हर बार अपने आप में टोटल जितना भी होता है इंडिविजुअल, खुद में हमेशा और हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10%। किसका 10%? 80 का। तो 80 का 10% निकालोगे तो भाई कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा है? कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, 8 बराबर दिया गया किसके? 5200 के। 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 650। 1 बराबर 650 आ जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 650 तो 100 बराबर निकालो तो आ जाएगा आपका कितना? 65000। तो टोटल आपका आ गया 65000। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे उन्होंने ये पूछ लिया है, ये बताओ जीतने वाले को कितने मिले? तो जीतने वाले को कितना मिला है? 55%। लेकिन वो 55% है किसका? 80 का। 80 का 55% कितना आएगा? निकाले हो 80 का 55% यानी 11/20 44। कितना आएगा? 44। तो 1 बराबर 650 के, तो 650 × 44 इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है भाई, 28600 एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक है,
उसके बाद हमसे पूछ लिया हारने वाले को बताओ कितने हैं, तो हारने वाले को कितना मिला है 45%, किसका 45%, 80 का। तो भाई अगर हम निकालेंगे तो 80 का 45%, 45% पार्ट में होता है 9/20 है, तो आ जाएगा भाई मेरा ये कितना आ जाएगा 36%, कितना आया भाई 36%। और हमारा एक बराबर किसके पास 650, तो 650 इंटू 36 इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा 650 इंटू 36। बोलो भाई आ रहा कि नहीं आ रहा, 23,400। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, बोलो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दिक्कत आ रही हो, ना समझ आया हो क्वेश्चन, आ गया ना, बोलो भाई जल्दी से। ठीक है आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है अस्सी का 10%। भाई ये बंटवारा तो हमने यहीं से तो किया था ना, ये बंटवारा हमने इस पे किया था ना, तो 10 तो वो 100 के कंपेयर में है, लेकिन है वो रियल में किसका 80 का, इसलिए 80 का 10% आप होता है। चलो जरा भाई एक बार हमें कमेंट करके ये बता दें, क्या वीडियो दिख नहीं रहा है क्या, प्लीज भाई कोई कमेंट कर देंगे, दिख रहा है, चलिए ठीक है ठीक ठीक। चलो फिर भैया इस पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन क्या है, कहता है कि टोटल मत जितने होंगे उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। भाई मेरे 10% ने मतदान नहीं किया है तो कितने लोगों ने मतदान किया होगा, 90%। भाई 100 में से 10% मतदान नहीं करते हैं तो 90% तो मतदान करते हैं ना। और बोला गया कि एक उम्मीदवार को कितना मिला है 52%, अब एक को अगर 52 मिल रहा है दूसरे वाले कितना जाएगा 48%, कितना जाएगा 48%। देखो हम बंटवारा हमेशा और हमेशा किस पे करते हैं, 100 पे करते हैं। कल हमने ग्राफ बनाया था, हमने इसीलिए बनाया था और समझाया भी था हमने, ठीक है, कि टोटल हमने 100% हमने ग्राफ बना के बताया था। तो भाई मेरे इसको 52 उसको 48, हार जीत कितने से हो रही है 4%, लेकिन वो 4% किसका है 90 का। तो भाई 90 का 4% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, 3.6 आएगा या नहीं आएगा, 3.6, यही 3.6 बराबर दिया गया किसके 90 के, 3.6 बराबर 90 के दिया गया है। तो यहाँ से एक बराबर अगर आप निकालो 0.98 इधर 0 बराबर जाते, तो एक बराबर किसके आ रहा भाई 25 के, एक बराबर किसके आ जाएगा 25 के, ठीक है, एक बराबर 25 आ गया। हमें चाहिए टोटल मत, टोटल मत कितने हैं 100%, एक बराबर 25, 100 बराबर किसके हो जाएगा भाई 2500, ये मेरा आ जाएगा टोटल मत, यानी कुल आंसर मेरा आया कितना 2500, ठीक है। अब बात करते हैं जीतने वाले को, भाई जीतने वाले कितना मिला है 52%, जीतने वाले कितना मिला है 52%, 52% किसका मिला है 90, ये बात ध्यान देना 52 मिला था लेकिन मिला कहाँ से था 90, क्योंकि उसने बोला ही था ये क्वेश्चन में टाइप ही यही चल रहा है क्या, डाले गए मतों का। तो भाई मेरे इसको 52 तो मिला लेकिन कहाँ से 90 का 52, तो भाई अगर 90% का अगर हम 52 निकालेंगे तो बताओ मेरा कितना आ रहा है, 0-0 कैंसिल आउट कर लेंगे 46.8%, कितना आ जाएगा 46.8, और एक बराबर हमें पता था कितने की था 25 के, तो ये हम 46.8 बराबर निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1170 आ जाएगा। तो ये आ गया जीतने वाले के, है भाई बोलो। अब हमसे पूछ रहा हारने वाले बता दो भाई, तो हारने वाले कितना मिला भाई 48 ही तो मिला है, लेकिन वो 48 मिला किसका है 90 का। तो अगर हम ये निकालें कि 90 का 48% कितना होता है, तो कितना आ रहा होगा भाई, तो कितना आ रहा 43.2, कितना आ जाएगा
तैतालीस दशमलव दो परसेंट। तो एक बराबर तुम्हारे पास 25 क्या है, तो तैतालीस दशमलव दो बराबर निकालो आपका आंसर आ जाएगा, तैतालीस दशमलव दो बराबर निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। ये मेरा हारने वाले का हो गया। अभी बताओ भाई में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो नहीं है, क्वेश्चन दो नहीं है, क्वेश्चन इसमें तीन है, इसमें तीन है, टोटल क्वेश्चन छह है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोग बोल के आंसर देने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे पास माइक लगा होता तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आती है, माइक लगा होने की वजह से आपकी आवाज मेरे पास आती नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके बोल के आंसर जो भी दे रहा हो वो ना दें, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, डिस्टर्ब नहीं करो, ज्यादा करोगे तो हम यहां से रिमूव कर देंगे, फिर मैं उनसे कहना कि हमारा ग्रुप में जुड़ा नहीं, हम हटा देंगे यहां से। भाई हम इतना समझा ही देते हैं कि फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद में भी हजार बार तो पूछते हैं भाई किसको आया किसको नहीं आया। अभी बताओ किसी को अभी भी दिक्कत आ रही हो तो हम फिर बता देंगे, है कोई जिसको समस्या हो? नहीं, चलो तो फिर क्यों परेशान हो, चलो समझो पार्ट से देख लो। देखो भाई पार्ट से क्या है, एक बताएंगे पार्ट से बाकी मैं दूसरा करेगा। कितना मतदान है तो निकाल लेंगे ना भाई, टोटल 2500 था, 2500 का 90% यानी का तो आ जाएगा, अभी 2500 × 9 कितना होता है, 2500 का 90 निकाल लो पता चल जाएगा कितना मतदान हुआ था। चलो आ जाओ, अब भाई कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि भैया हमें ये बता दो कि पार्ट से कैसे लगेगा, तो भाई मेरे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया था, तो 10% को हम तोड़ देंगे पार्ट से 1/10। इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि 10 में से एक वोट नहीं डाला गया, इसका मतलब जो कि 10 में से एक वोट नहीं डाला गया, तो 10 में से कितने वोट डाले गए बता भाई, 10 में से एक वोट नहीं डाला गया कितने वोट डाले गए होंगे, 9, कितने वोट डालेंगे 9, ठीक है। अब डाले गए मतों का एक को मिला है कितना 52%, भाई मेरे एक को 52% गया तो दूसरे को 48% गया, तो हार जीत कितने से हुई थी 4% से, तो 4% पार्ट जोड़ो तो 1/25, तो कितना जाएगा 1/25, भाई एक को 52 मिल गया दूसरे वाले को 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो हार जीत जो हो रही है वो उनकी डिफरेंस ही होगी ना, और डिफरेंस कितना है 4%, यानी 4% पार्ट में तोड़ दिया 1/25, ठीक है। तो 25 में से एक वोट पे हार जीत चल रही है, 25 में से एक वोट पे हार जीत चल रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे 25:1, बस यहीं पे आप लोगों को थोड़ी समझने वाली बात है। ऊपर देखो 10 में से 9 वोट पड़े थे, ठीक है, सेकंड स्टेप पे आए तो 25 में से एक वोट पे हार जीत चल रही थी, तो भाई मेरे इधर हमने देखा तो हो गया था कितना 250 हो गया था, इधर हमने देखा तो कितना हो गया था 9, कितना हो गया था 9, और भाई फिर यही 9 बराबर हमें दिया गया किसके 90 के, उसने बोला था कि 90 मतों से हार जीत हो रही है 90, ठीक है भाई, एक ये 9 बराबर 90 है तो 250 पे भी एक जीरो लगा दो मेरे भाई आ जाएगा कितना 2500। बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, हमें नहीं लगता है कि ये कठिन है, बहुत आसान है,
कुछ खास नहीं है। जय भीम, कमेंट करके बताओ भाई आया कि नहीं आया, बोलो भैया जल्दी से आ गया ना। चलो ठीक है, सुवेश पूछ रहे हैं अगर जीतने वाले पूछ ले भाई तो हमने जहां पर 4% लिया वहां पे हम क्या ले लेंगे, 52% ले लेंगे। अरे भाई जीतने वाले पूछ लेगा तो हम 52 ले लेंगे, हारने वाले पूछ लेगा तो हम 48 ले लेंगे। ठीक है भाई, कुछ नहीं है। चलो अच्छा देखो, जीतने वाले पूछ लीजिए तो जीतने वाले को 52% मिले तो पहली स्टेप तो यही रहेगी 10 से 9, पहली स्टेप यही रहेगी 10 से 9। 52% अगर हम पार्ट में तोड़ देंगे तो भाई 13/25 आएंगे नहीं आएगा, इतना मैं बता दूं पहले 13/25 आएगा कि नहीं आ जाएगा 52% पार्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 25 से कितना होगा 13, इधर हो जाएगा आपका 250 और इधर हो जाएगा आपका 117 है कि नहीं। ये बराबर दिया गया था 2500 के, तो ये बराबर निकालो 1170 आ जाएगा। हारने वाले कुछ दिया तो 48% पार्ट में तोड़ देंगे, तो 48% अगर हम तोड़ देंगे तो पार्ट में तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 से काट दो तो 12/25 आ जाएगा। पहली स्टेप तो ऐसे ही रहेगी 10 से 9, यहाँ 25 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यार नहीं निकालना है यहाँ से, सीधे यहीं से निकाल दो ऐसे, ये स्टेप तो ये जीतने वाले के लिए भी यही रहेगी और हारने वाले के लिए यही रहेगी। ये 9, 25 में से 13 इधर गया वो तो 12 दूसरे वाले गया, ये तो 12 में कितना होता है 108 होता है। चलो भाई देखो, तो यहाँ पे अगर हारने वाले कम से पूछ ले तो भाई मेरा टोटल कितना हुआ था 25 हुआ था, यानी एक ही निकाल लो दूसरा मत निकाल। ठीक है, 13/25 में से 13 तो पहुंच गए जीतने वाले के पास में। ठीक है, 25 में से 13 इधर पहुंच गया तो 12 कहाँ चला जाएगा हारने वाले के पास, तो ये हो जाएगा 12 × 108, तो ये बराबर निकाल लो आ जाएगा आपका 1080। ये कुल मत है, ये जीतने वाले के हैं और ये हारने वाले के, बताओ। हो गया ना, चलो लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और लिखो। किसी चुनाव में किसी चुनाव में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, किसी चुनाव में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया, 65% मत प्राप्त किया
डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिए कि नंबर एक, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। नंबर दो, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। नंबर तीन, वह कितने मतों से पराजित हुआ। नंबर तीन, वह कितने मतों से पराजित हुआ। यदि कुल मतों की संख्या, साठ हजार हो, यदि कुल मतों की संख्या 60,000 लगा के बताओ, हम क्वेश्चन बताएंगे नहीं। लगाओ सभी लोग, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। इतना टाइम नहीं लगता भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। बाकी लोग ही बताएं, अभी एक आंसर आया है। चलो आओ देखो, 100 बराबर दिया गया था, ठीक है, 15% ने वोट नहीं डाला है, तो 85% ने वोट डाला है। 65 इसको मिला तो 35 इसको मिला, ठीक। उसके बाद इसको 65 मिला तो है, लेकिन मिला किसका है, 85 का। 65% किसका मिला है, 85 का। तो भाई 65% पार्ट में होता है आपका 13/20 और इंटू कितना, 85। तो ये आप निकाल के बताओगे हमें कितना आ रहा है, 55.25 तो 1 बराबर मेरा किसके आ गया था, 600 के। 1 बराबर 600, तो ये 55.25 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, गुणा करो इसका, 6 का गुणा कर दो, बाकी चीजें उठा के दिखा लगा दो, कर पाएंगे 33,150। ये तो आ गया जीतने वाले का, हारने वाले कितना मिला है, 35 का आएगा, 35 85 का। तो 35% होता है 7/20 और ये 50, तो इसको अगर हम तोड़ रहे होंगे तो ये कितना आ रहा है, 7/20 × 85, अगर इसको काट पीट के फाइनली बना रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 29.75। तो 1 बराबर 600 के था तो 29.75 ये निकाल लो, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है
कि हारने वाले बता दो भाई, सॉरी कि वो कितने मतों से हार जीती, तो हार जीत कितना सो रही थी यहाँ पे, यहाँ पे हार जीत कितना सो रही, 30 कितना हो रहा था, 30% हो रहा हूँ नहीं हो रहा, बताओ काय का 30%, 85 का 30%। तो अगर हम 85 का 30% निकालेंगे यानी 3/10 तो ये कितना आ रहा है, 5 × 3 = 15, 5 आस लगा 1 और 3 × 8 = 24 और 25 कितना आ रहा, 25.5 कितना आ रहा, 25.5। 1 बराबर दिया गया तो 600 के 25.5 बराबर निकाल दो तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9000। नहीं यार 9000 तो नहीं आएगा, 9000 नहीं आएगा, इतना कम नहीं आएगा, 15300। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन निकले हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन निकले हैं इसी में, कुछ नहीं, इस बार हमें 100 दिया गया था, उसके बाद हमने इसके निकाल लिए, 65 मिला 85 का, 55.25 मिला, ये बराबर निकाल दिया, हारने वाले 35 काय का 85 का ये निकाल दिया, अंतर कितना रहा 30 काय का 85 का ये निकाल दिया, 3 आंसर आ गए, 1, 2, 3, ठीक है भाई, चलो हो गया ना। डाले गए वोट कैसे निकालेंगे, तुम सबके सब पागल बैठे हो का, यहाँ पे 60,000 का 90-85% निकाल दो, 60,000 का 85% निकाल दो बस आंसर आ जाएगा, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, एक ही बार 15 बार पूछ लेते हो, ये बात हमसे पीछे भी पूछी थी फिर पूछ ली एक, ये देखो कोई चश्मा लगा के कहाँ चल रहा है, ये गधा छाप प्राणी कौन है, ये सचिन कुमार, चलिए अब हम ये हो गया ठीक, अब डाले गए मतों का और डाले गए मतों का और वैध मतों का सेम होता है, ठीक है। अब वैध मतों की बात कर लेते हैं, देखना है कुछ नहीं, एक ही है वैध मत, सिर्फ नाम चेंज किया गया, देखना कैसे, हमसे बोला गया किसी चुनाव में 20% मत अवैध पाए गए, 20% मत अवैध पाए गए, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मत का 55% मत प्राप्त किया, वैध मत का 55% मत प्राप्त किया और वह 1620 मतों से जीत गया, और 1620 मतों से जीत गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा कुल मतदाता कितने थे, या थोड़ा आसान कर लो तो ये 1640 कर लो, 1640 कर लो, ये आसान हो जाएगा थोड़ी कैलकुलेशन। क्वेश्चन ये बोला गया किसी चुनाव में 20% मत अवैध पाए गए, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मत का 55% प्राप्त किया और 1640 मतों से जीत गया, तो नंबर 1 कुल मत, नंबर 2
जीतने वाले को मिले वैध मत, और नंबर तीन हारने वाले को मिले वैध मत कितने हैं। भाई मेरे पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। देखना कैसे भाई, अभी तक हम क्या बोलते थे कि 20% मत डाले नहीं है, अभी तक जितने वोट डाले नहीं जाते थे, अब उसकी जगह पे सिर्फ इतना बोल दिया कि इतने मत अवैध हो गया। तो बात तो वही है। तो भाई मेरे कितना वैध मत पड़ गया, 80%, इसको 55 चला गया, इसको कितना चला जाएगा 45, हार की कितना हो जाएगी 10%, काय का 10%, 80 का 10%, 80 का 10% मतलब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। तो यही 8 बराबर हमें दिया गया है किसके, 1640। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 205 है, और हमसे पूछ रहा 100 बराबर, तो 100 बराबर हम निकाल देंगे तो भाई कितना आ जाएगा बताओ, 20,500। बता किसी को कोई दिक्कत आ रही है भाई, हमें लगता नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है खास जो बताया जाए। फिर से नहीं का मतलब हम क्या समझ लें, नहीं का मतलब समझ नहीं आया ये समझ लें, या नहीं का मतलब ये समझ लें कि समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नोट करो, किसी चुनाव में 25% मत, किसी चुनाव में 25% मत अवैध पाए गए, किसी चुनाव में 25% मत अवैध पाए गए, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, 60% मत प्राप्त किया, और वह तीन हजार पैंतालीस मतों से विजयी हो चुका। और वह 3045 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि नंबर एक कुल मतदाता कितने थे, नंबर दो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, नंबर तीन हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, कमा 20% मत अवैध था,
यदि कुल मतों की संख्या यदि कुल मतों संख्या 22,500 हो तो दूसरे को कितना वैध मत प्राप्त हुआ लिख लिया। एक और लिखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार शामिल हैं। अड़सठ मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजयी उम्मीदवार को बावन परसेंट मत प्राप्त हुआ। और 98 मतों से जीत गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितने हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए भाई? तीन। चलो बताओ, कोई बताएगा आंसर इनके? कौन कौन लगा लिया? पहला तो यही लिखा है भाई, देखो इधर जितने भी मत होंगे कितने होंगे, 100% 25% अवैध हो गया ना, तो भाई मेरे 75% वैध मत हो जाएगा। इसको 60 मिला इसको कितना मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। डिफरेंस कितना चल रहा है? 20% काहे का 20%? 75 का 75 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 1/5 मतलब आ जाएगा 15 है। तो भाई मेरे 15% बराबर दिया गया 3045 के, 1 बराबर आ जाएगा 203, 1 बराबर आ जाएगा भाई 203, ठीक है। कुल मत चाहिए हो जाएगा ये 20,300, ठीक है। हमसे पूछ रहा जीतने वाले कितने मिले, तो कितना मिला था? 60 का आएगा 60 75 का 60, तो 60 का 75% पार्ट होता है 3/4, 4 छुड़ा दो कितना 15 45%, कितना बन जाएगा भाई 45%। तो 1 बराबर दिया गया था 45 बराबर निकाल दो, 203 × 45 कितना आ रहा भाई? 10,350
350। ठीक है भाई, गलत हो गया, इतना नहीं आ रहा। हाँ इतना तो नहीं आ रहा हूँ, गुणा करो 91 30। अरे इसको कैलकुलेशन करके बता रहा, ये कितना 40 का आएगा, 40 75, 3 बटे 4 यानी 40, कितना होगा 30%। तो 30 बराबर निकालो, 30 बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 203 × 30। अरे 0906 6000, हारने वाले का जाएंगे 6090 और जीतने वाले का जाएंगे 63500। 63500 गलत बता रहे हैं, ये थोड़ी आएगा, पगला हो गया, थोड़ा नहीं कर पा रहे। 45 × 3 91 35। हाँ सही है, चलो देखो एक बात और आप लोगों को बताएं, जितना ये हमने क्वेश्चन पूछा है इतना सारा एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमने क्वेश्चन में क्या किया है, टोटल भी निकाल लिया, जीतने वाले निकाल लिए, हारने वाले निकाल लिए, कितने मतों से हार जीत हो रही है ये भी निकाल लिया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। ठीक है, वहां आपसे एक क्वेश्चन में एक ही आंसर पूछेगा, समझ रहे ना, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आपको मिल जाएंगे। एक पूछता है और हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकाल लिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर सारी चीज निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में कहां से कहां तक इनकी पहुंच होती है, समझ रहे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमने क्या बोला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कितना मिला है, 5 मतों का 55% मिला, जब भाई एक को 55 मिला दूसरे वाले को 45 मिलेगा और कितना 20% अवैध हो गया, 20% अवैध हो गया, टोटल दिया गया 22500 के, तो भाई मेरे यहाँ पे 80 आ जाएगा, अंतर कितना चल रहा, नहीं हमसे पूछ रहा, हमसे क्या पूछा गया, हारने वाले कितना मिला, कितना मिला 45, किसका 45, 80 का, भाई 80 का 45% 9/30 होता है, उड़ा दो कितना बनेगा 36। तो भाई इधर दिया गया है तो एक बराबर अगर हम निकालें कितना आ रहा है, एक बराबर 225 के, एक बराबर 225, 36 बराबर निकालो 225 × 36, 27 81, कितना आ जाएगा भाई मेरे 8100 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो हटा लिया जाए इसको, लास्ट वाला क्वेश्चन कोई लगा पाया, लास्ट वाला क्वेश्चन जितने भी मत हैं उसमें से 68 मत अवैध हो गया, शायद 68 मत अवैध हो गया और जितना भी बचा होगा उसमें से इसको मिला है 52% और इसको मिला होगा 48%, 68 मत कैसा हो गया अवैध। ठीक है, अंतर कितना चल रहा है 4%, यही बराबर दिया गया था, किसके दिया गया था 98 के,
तो जितना यहाँ भाव होगा यहाँ पे 100% भाव होगा अपने आप। पहले तो ये बता जो लिखा है वो समझ में आ रहा है या नहीं, जितना होगा उसमें से अर्थ हटा दिया, फिर जितना भी बचा होगा वो अपने आप में खुद में स्वयं में 100% होगा या नहीं होगा, होगा ना, ये अपने आप में 100% होगा। उसमें से एक को 52 मिला, दूसरे को 48 मिली, हार जीत कितने से होगी, 4 से, 4 बराबर किसके 98 के, 4 और 98 के 100 बराबर निकाल दो, इसका ये 25 गुना लिखा हुआ है, 98 × 25 का तो आंसर अभी आ जाएंगे यहाँ, कितना आ रहा है 24 50, ठीक है भाई, 24 50 आ रहा होगा, गुणा करो यही आ रहा होगा, पच्चीस अट्ठे 200 होता, 200 में ये रख दिया गया, तुम लोग क्या क्या यार सिखाए, गुणा भी सिखाए क्या, ये ऐसे गुणा कर लो इसको, 25 पूछ रहे हैं, आधे बता रहे हैं 2418, आधे बता रहे हैं 2400, पका बहुत जल्दी देते हो, यहाँ आ गए 2450 पे, लेकिन भाई मेरे वोट अवैध हुआ है, डाला तो वो भी गया था ना, 2450 वोट ये तो वैध वाला है, इससे पहले कितना 68 अवैध हो चुका था, तो वोट तो वो भी डाला गया, जब डाला गया तब ना हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, इसमें ये जोड़ दो 68 इस 2450 में आप जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 2518, तो टोटल वोट आपका कितना था 2518 था, चलो आगे बढ़ो, सबको ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, चलो आगे देखो, अब क्वेश्चन आता है, देखो वैध मत डाले गए मत सब इकट्ठे मिला देता, जितने मत होंगे 100% उसमें से 10% मत डाले नहीं, 90% डाले गए मत, और जितना डाला गया उसका 10% अवैध हो गया, और जीतने वाले को वैध मत का 55% प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 55%, और कुल मत है आपके 50,000, कितने 50,000, तो हमें बताओ कि हार और जीत कितने से हुई, अब क्वेश्चन ऐसे भी आता, मतलब देखो डाले नहीं और अवैध ये दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, जो भी पीछे के हम दो टाइप पड़े हैं, अभी पीछे एक घंटे में पीछे भी हमने दो टाइप पड़े, उन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उन दोनों को मिला करके एक नया ये उठा के लगा दिया, ये तो कुछ नहीं भाई, 100 का 10% हटा दो, 90 का 10% मतलब 9 हटा दो, कितना बचा 81, इसको 55 गया तो इसको 45 जाएगा, हार जीत कितना चल रही है 10%, लेकिन भाई वो 10% का आएगा है 81 का, 81 का 10% अगर हम निकाल लेंगे तो भाई आ जाएगा 8.1, और हमें 100 बराबर दिया गया और ये बराबर पूछ रहा है, एक बराबर निकाल दो तो आ जाएगा 500, एक बराबर 500 8.1 बराबर और निकाल दो तो भाई मेरे 500 × 8.1, इसका आप कर दो गुणा, 1.5 हटा दो, 0, 5 और 8, 45, 4050 आंसर आ गया, ऐसे पूछ लेता है।
अब यह कभी कभी हमें ये यहाँ पे दे देता है तो फिर यहाँ पे कुछ लेता है, कर पाओगे? अगर इसको हम अगर पार्ट से लगाने की कोशिश करें, पार्ट से लगाएं तो 10% 10% और 10%, देखो 10% ये वाला, 10% ये वाला और 10% ये वाला, पार्ट से अगर लगाएं तब 10% था तो 10% डाला नहीं गया, 10% डबल हो गया, 10% से आप जीते 1/10, 10 से 9, अगला 10 से 9, अगला 10 से 1, इधर बनेगा 1000, इधर बनेगा 81, ये बराबर दिया गया था 50,000 और ये बराबर निकालो आ जाएगा 4,50,000, इसका 5 गुना 1 किलो, इसका 5 गुना और 1 किलो लगेगा, ऐसे पार्ट से बन गए। चलो क्वेश्चन नोट करो फटाफट और खत्म करो क्वेश्चन। देखो दो उम्मीदवार एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों की एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों की एक चुनाव में 10% लोग मतदान नहीं किए, 10% लोग मतदान नहीं किए, तथा डाले गए मतों का 10% अवैध हो गए, तथा डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो गए, डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो गए, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, 10% डाले नहीं गए, 10% अवैध हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 54 है 54, 10% मत डाले नहीं गए, डाले गए मतों का 10% अवैध हो गए, जीतने वाले ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया और वह 1620 मतों से जीत गया, और वह 1620 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने हैं? तो कुल मतदाता कितने हैं? देखो 10% मत डाले नहीं गए, फिर 10% अवैध हो गए, फिर एक को मिला कितना 54%, तो दूसरे कितना चला जाएगा, एक को 54 जा रहा है तो दूसरे कितना जाएगा भाई मेरे, 46 जाएगा कि नहीं जाएगा, एक को 54 है दूसरे को 46, अंतर कितना जाएगा 8%, तो हमने लिया 10% डाला नहीं गया, 10% अवैध हो गया, 8% से हारजीत हो गई, पार्ट में तोड़ दो 1/10 1/10 और ये हो जाएगा आपका 2/25, 10 से 9, अगला 10 से 9 और 25 से 2, तो ये हो जाएगा इधर 25,000 और 9 में 81 मतलब 162, ये बराबर दिया गया 1620, एक जीरो बढ़ाया गया सर, देखो इसका इस पर भी एक जीरो ठान बढ़ा 25,000 आंसर आएगा 25,000। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो? हमें लगता नहीं ऐसा कुछ है खास। हो गया ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो लास्ट, जो आप लोग करके बताओगे होमवर्क में, लिखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में
दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पचहत्तर % मतदाताओं ने अपना मत दिया, पचहत्तर % मतदाताओं ने अपना मत दिया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 27,783 मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 27,783 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 75% है, जो कुल वैध मतों का 75% है। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया, जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 27,783 मत प्राप्त हुए, 27,783 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75% है। चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? लिख गया? इसका आंसर सभी लोग अपने अपने ग्रुप में देंगे। और एक नई बात आज आपको हम बता रहे हैं, एक नई बात अभी आपको बताएंगे सब लोगों को।